इंदौर में स्वच्छता में शहर को 8वीं बार नंबर 1 बनाने के लिए सफाई व्यवस्था पर सख्ती शुरू हो गई है। स्वच्छता प्रभारी अपर आयुक्त अमिताभ मिश्रा ने गंदगी मिलने पर एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। इंदौर के जोन 11 में गंदगी मिलने पर दरोगा से उसका प्रभार छीन लिया गया है। सफाई व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर अपर आयुक्त ने यह कार्रवाई की है। इंदौर प्रशासन की ये मुहिम है, ये पहल है कि इस बार भी इंदौर को सफाई और स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाया जाए। पुनीत विजयवर्गीय हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, तैयारियां कैसी हैं इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर? बिल्कुल, देखिए 7 बार तो नंबर 1 हो चुके हैं, अब 8वीं बार में गोल्डन सिटी बनने के लिए भी इंदौर पूरी तरह से तैयार है। इंदौर नगर निगम द्वारा शहर के प्रतिष्ठानों पर तो सख्ती की जा रही है, लेकिन अब अपने कर्मचारियों पर भी सख्ती शुरू कर दी गई है। यानी कि स्पष्ट संदेश है कि सफाई तो रखना ही होगी। जैसा कि आपने भी बताया कि जो अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा है, उन्होंने जोन 11 के दरोगा को सस्पेंड किया है, एक कर्मचारी पर भी कार्रवाई की है, क्योंकि क्षेत्र में गंदगी फैली हुई थी, उसकी प्रॉपर सफाई नहीं हो रही थी। इसी से नाराज होकर अपर आयुक्त ने यह कार्रवाई की है। यह संदेश है पूरे शहरवासियों को कि सफाई रखना बेहद आवश्यक है। नगर निगम इसको लेकर बेहद गंभीर है, क्योंकि 7 बार नंबर 1 बन चुके हैं, तो 8वीं बार भी इंदौर को ही नंबर 1 बनना होगा। इंदौर शहर के लोग हैं जो खुद भी चाहते हैं कि इंदौर हमेशा सफाई में नंबर 1 बना रहे देश में, तो इसलिए सख्ती की जरूरत होती है। हर बार इस तरह की सख्ती होती है जब जिन भी प्रतिष्ठान के बाहर गंदगी मिलती है, उन पर कार्रवाई की जाती है, चालानी कार्रवाई होती है, जुर्माना वसूला जाता है उससे। देखिए, एक पर कार्रवाई करते हैं तो संदेश सभी में चला जाता है कि सफाई रखना है। तो ऐसे ही नगर निगम के कर्मचारियों को भी यह संदेश दे दिया गया है कि सफाई के प्रति जागरूक रहे, सख्त रहे, वरना कार्रवाई हो जाएगी। भारत, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इंदौर के लोग भी सफाई और स्वच्छता को लेकर काफी सजग दिखाई भी देते हैं।